हेलो एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिप्जर कंपनी की तरफ से आने वाले मोस्टली पावर टेक कैप्सूल्स के बारे में बात करेंगे। इनके बारे में पूरी जानकारी जानेंगे कि आखिरकार ये जो मोस्टली पावर टेक कैप्सूल्स हैं आपके किस किस डिजीज़ में काम आ जाते हैं, किस किस बीमारी में आपको इनका इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरीके से इनका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। तो अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से इन्फॉर्मेटिव रहती है या मददगार साबित होती है तो अपनी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। अगर इस दवाई के हम फायदों के बारे में बात करें तो सिप्जर मोस्टली पावर टेक कैप्सूल जो है ये एक शक्तिवर्धक औषधि मानी गई है। सिप्जर मोस्टली पावर टेक कैप्सूल आपको कई तरह की शारीरिक लाभ देता है। सिप्जर मोस्टली पावर टेक कैप्सूल सामान्य कमजोरी को दूर करता है और शक्ति, सहन शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाता है। पावर बूस्ट के तौर पर भी काम करता है। इसमें आपको कई पोषक तत्व और खनिज मिलते हैं। सिप्जर मोस्टली पावर टेक कैप्सूल आपकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाकर कमजोरी को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। सिप्जर मोस्टली पावर टेक कैप्सूल में कई तरह के मिनरल पाए जाते हैं। यह सहन शक्ति और जीवन शक्ति को बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। सिप्जर मोस्टली पावर टेक कैप्सूल जो है ये शक्ति और सहन शक्ति में सुधार करता है, तनाव और सूजन को दूर करने में भी मदद करता है, मितली को नियंत्रित करने में मदद करता है, त्वचा और हड्डियों से संबंधी इलाज में भी उपयोगी किया जाता है। सिप्जर मोस्टली पावर टेक कैप्सूल पुरुषों की सहन शक्ति में सुधार करता है। सिप्जर मोस्टली पावर टेक कैप्सूल का उपयोग प्राकृतिक प्रतिरक्षा बूस्टर के रूप में भी किया जाता है। तो अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत परेशानी हो जाती है, आपके शरीर में आपको कमजोरी लगती है या आप किसी चीज़ की टेंशन लेते हैं तो ये आपके शरीर में आपकी कमजोरी को दूर करता है और आपकी टेंशन को भी दूर करता है आपके शरीर में से, और आपकी ये सूजन में भी काम आ जाता है। आपके कहीं पर सूजन हो जाती है तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके शरीर में से सूजन को उतारने में भी बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। जैसे कि किसी किसी के पैरों में क्या होता है, सर्दी में उनके पैर या हाथ सूजने लगते हैं, तब इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे तो जो इसका मुख्यतः इस्तेमाल किया जाता है वो आपकी शक्ति और सहन शक्ति को ही बढ़ाने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, इस दवाई का। और इसके अंदर आपको जितनी भी औषधियाँ देखने के लिए मिल जाती हैं, जितने भी आपको इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स देखने के लिए मिलते हैं, वो सारे आपको नेचुरल देखने के लिए मिल जाते हैं। उसकी वजह से आपको क्या बेनिफिट देखने के लिए मिलता है कि इस दवाई का आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। जैसे कि आपकी जो अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं उनको अगर आप ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो उसका आपको कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन इस दवाई का आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। चाहे आप इसको एक साल, दो साल, चाहे कितने भी लंबे समय के लिए आप इसको इस्तेमाल कर लें, इसका आपको कुछ भी साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। और इसको जो इस्तेमाल करने का तरीका है वो भी बहुत ही ईजी है। इसको क्या करना है, आपको एक कैप्सूल दिन में दो बार नाश्ते और रात के खाने के बाद दूध के साथ लेने हैं। उससे ज़्यादा बार आपको इसको नहीं इस्तेमाल करना है। अगर इससे ज़्यादा बार करना चाहते हैं तो आप अपने किसी भी करीबी डॉक्टर से कंसल्ट करके डोजेज बंधवा सकते हैं। और अगर ये दवाई आपको आपके किसी भी करीबी मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलती है तो आप इसको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, 1MG जैसी ऑनलाइन साइट से भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। और अगर आपको इस दवाई के बारे में और अधिक जानकारी जाननी है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इस दवाई के बारे में और अधिक जानकारी भी जान सकते हैं।